हेलो दोस्तों, टोने टोटके में एक बार फिर स्वागत है आप लोग का। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम जब सुबह के टाइम पे काम पे जाते हैं और ख़ास तौर पे वो शनिवार का दिन होता है, तो रोड पे आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि नींबू फेंका हुआ है। घर से निकाल कर, गाड़ी से निकाल कर, अक्सर रोड पर ही फेंकते हो। रोड पर फेंकने का रीज़न क्या होता है, तो प्लीज़ इसे आप रीड करें। रोड पे फेंकने का रीजन ये होता है कि हमारा वक्त सही है और हम सुबह जॉब के लिए जाते हैं, या किसी भी कारण हम रोड पे जाना ही पड़ता है, हमें रोड पे जाना पड़ता है और रोड पे जाते हैं हम। दोस्तों, पहली बात, शनिवार के दिन जो पुराना नींबू होता है, जो सूख जाता है, उसे रोड पे फेंक दिया जाता है और नया नींबू घर के अंदर लगाते हैं। तो पुराने नींबू के अंदर डिफरेंट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, पहले आप इसे आप गौर से सुने। अगर आप रास्ते से जा रहे हो और नींबू बीच में है, अगर उसे नांग के जाते हैं, तो वो सारी पनौतियां आपके गले आ पड़ती हैं, जिससे आपके सारे काम में रिकॉर्ड चालू हो जाता है, दोस्तों से झगड़े हो जाएंगे, आपका माइंड आपके ऊपर ही काबू नहीं रहेगा कि आप कर क्या रहे हो। तो दोस्तों, कभी भी अगर रोड के ऊपर नींबू फेंका हुआ है, वो शनिवार का दिन है, मिर्ची कोयला नींबू दोनों सूखे हुए हैं, अगर आप उसे नांग कर जाते हैं, तो ये समझ जाइए कि जिस तरीके से वो एक हफ्ते का नजर दोष लगना, ये सब सारी चीजें वो नींबू ने सहा है, और ये दोष उसको पड़ेगा जो उसे नांग कर जाएगा। तो प्लीज मेरे बातों पे ध्यान दें, कभी भी आपके रास्ते में नींबू पड़े या किसी भी तरीके से अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आप रोड के साइड में खड़े रहें और दूसरा व्यक्ति अगर कोई जाता है तो उसे जाने दें, उसके बाद आप जाइए, क्योंकि पहला जो उस नींबू को नांगेगा वो दोष उसे लग जाएगा। तो प्लीज इसे रीड करें आप और ये वीडियो देखें। इस वीडियो में अगर मैंने अच्छी जानकारियां दिया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।